मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं केशवकांत वर्मा आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन्स का लेक्चर लेकर आया हूँ आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर। इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर ट्रांसमिशन का सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज में हम लोग देखे थे बेल्ट ड्राइव, सेकेंड में हम लोग देखेंगे गियर ड्राइव। गियर ड्राइव होता क्या है, गियर क्या होता है, गियर ड्राइव क्या होता है, इसमें वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ गियर ड्राइव देखेंगे, ठीक है, फिर वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला वगैरह देखेंगे और फाइनली पावर ट्रांसमिशन का न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि नंबर ऑफ टीथ पे आधारित रहेगा, वेलोसिटी रेशियो पे आधारित रहेगा। ये सब हम आज इस लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग बेल्ट ड्राइव, ठीक है, सॉरी गियर ड्राइव। गियर ड्राइव है क्या, गियर ड्राइव क्या है, कुछ आइडिया अगर आप लोग को है तो सोचिए दिमाग में, कुछ आ रहा है गियर ड्राइव से, गियर ड्राइव से कुछ आ रहा है दिमाग बाद में, गियर ड्राइव क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है तो समझाएंगे आप लोग को, ठीक है। देखिए, गियर एक तरह का व्हील टाइप का एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है, जिसपे टूथ कटेड रहता है, ठीक है, टूथ कटेड रहता है, मतलब एक इस टाइप का आपका टूथ कटेड रहता है और रोटेट करता है, ठीक है। अब इसके रोटेशन से आपको पावर का ट्रांसमिशन होता है, जस्ट बेल्ट ड्राइव में हम लोग क्या देखे थे, बेल्ट ड्राइव में हम लोगों ने देखा था कि जब शाफ्ट कुछ दूरी पर रहता था, सम पॉइंट पे, सपोज दैट शाफ्ट का एक्सिस ये है, पावर हमको कुछ लंबे दूरी पे चाहिए, तो हम लोग को वहाँ पे बेल्ट ड्राइव के माध्यम से बेल्ट कनेक्ट करते थे, उसके माध्यम से पावर का ट्रांसमिशन होता था। मगर इसमें क्या है कि बेल्ट ड्राइव का प्रॉब्लम क्या था कि बेल्ट में स्लिप का प्रॉब्लम था, बेल्ट स्लिप हो जाता था। अगर बेल्ट लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग टाइम के लिए बेल्ट हम लोग यूज करते थे तो उसमें कुछ स्लिप आ जाता था, बेल्ट में क्रीप आ जाता था, तो वेलोसिटी रेशियो हमारा घट जाता था, वेलोसिटी रेशियो प्रॉपर नहीं मिल पाता था। साथ ही साथ उसमें फ्रिक्शन होता था, बेल्ट में क्या है, बेल्ट आपका पुल्ली पे फ्रिक्शन होता था, तो इस फ्रिक्शन के कारण पावर लॉस हम लोग को ज़्यादा होता था, जो अल्टीमेटली इफिशियंसी को घटा देता था। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया ना कि एक प्लेट जैसा इक्विपमेंट लिया, थिक प्लेट लिया, ठीक है, और उस थिक प्लेट पे ग्रूव बना दिया, ग्रूव कट कर दिया, इस टाइप का ग्रूव कट कर दिया, ठीक है, और दूसरे पुल्ली पे भी वैसे प्लेट लिया और इस ग्रूव टाइप का कट किया, दोनों को सटा करके, मेस करके, रोटेट करके हम लोग पावर ट्रांसमिशन किए। फाइनली हम लोग का एक गियर, ये सिंपल गियर दिख रहा है आपको, ये वाला जो दिख रहा है आपका सिंपल गियर है, इस टाइप का इक्विपमेंट होता है गियर ड्राइव गियर, और इसमें भी बेल्ट ड्राइव की तरह एक ड्राइवर होता है, एक ड्रिवन होता है, तो ड्राइवर को हम ऑलवेज हम लोग गियर से रिप्रेजेंट करते हैं, गियर से, ड्रिवन को ड्रिवन भी बोलते हैं और कभी कभी पिनियन भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये इस टाइप का हमारा गियर होता है, दिस लीड, और इस जैसे ये अब रोटेट करेगा यहाँ पे, अगर ये ड्रिवन शाफ्ट है, ये ड्रिवन शाफ्ट है, रोटेट करेगा तो इस पे जो ग्रूव है ये इससे मेस हो जाएगा, इसे कनेक्ट हो जाएगा, ये अगर ऊपर मूव करेगा तो इसको भी मूव कराएगा, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा आपका। इसमें भी वैसे ही बेल्ट ड्राइव की तरह अगर आपका ड्राइवर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ड्रिवन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और अगर आपका ड्राइवर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ड्रिवन आपका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये सबसे सिंपल मैकेनिज्म है, सबसे सिंपल गियर ड्राइव का, जब कंपाउंड नहीं रहेगा तो, और जब कंपाउंड हम लोग लाएंगे या गियर ट्रेन जब हम लोग लाएंगे तो उसमें अपने मन मुताबिक नंबर ऑफ गियर और नंबर ऑफ पिनियन डाल करके हम लोग अपने मन मुताबिक रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज प्राप्त कर सकते हैं। मगर सिंपल गियर ट्रेन में सिंपल गियर जो रहेगा, मतलब एक गियर के साथ, ओनली एक गियर के साथ
एक पिनियन मिस करेगा तो केवल और केवल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज अगर हो रहा है एक का तो दूसरे का आपका क्लॉकवाइज होगा। तो गियर को अगर डिफाइंड करें तो क्या करें, गियर एक थिक प्लेट है जिसपे ग्रूव कटा हुआ रहता है जो कि अनदर उसी टाइप का सेम ग्रूव कटा हुआ एक दूसरे पिनियन को ये ड्राइव करता है और इस ड्राइव के माध्यम से पावर का ट्रांसमिशन होता है। फायदा इसका क्या है, फायदा इसका ये है कि इसमें वेलोसिटी रेशियो प्रॉपर मिलता है। एडवांटेज अगर हम देखें गियर ड्राइव का तो एडवांटेज का है कि एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो हम लोग को मिलता है गियर ड्राइव में एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो मिलता है। और लार्ज पावर ट्रांसमिशन के लिए मतलब बहुत हैवी पावर, जबकि बेल्ट ड्राइव में हम अगर बहुत ज़्यादा हैवी पावर हम लोग ट्रांसमिट करते हैं बेल्ट ड्राइव में तो बेल्ट का टूटने का खतरा रहता है या उतना पावरफुल बेल्ट हम लोग को बनाने में बहुत कठिनाई होती है। मगर गियर जो बना होता है वो मेटल का बना हुआ होता है, मोस्टली मेटल का हम लोग जब हाई पावर ट्रांसमिशन यूज करेंगे तो मेटल का गियर बनाएंगे और उससे हाई पावर का ट्रांसमिशन करेंगे। इफिशियंसी इसका हाई होता है क्योंकि इसमें ना तो फ्रिक्शन लॉस होता है ना तो स्लिप होता है, ठीक है, लिटिल बिट बैकलैश होता है जो कि हम लोग अपना डिजाइन को सुधार करके उसको ओवरकम कर लेते हैं, उसको सुधार लेते हैं गियर का डिजाइन वगैरह हम लोग सही करके, उसका मटेरियल वगैरह सही करके उसको बैकलैश को हम लोग कम कर देते हैं। बैकलैश क्या होता है ये देखेंगे हम लोग आगे। तो एडवांटेज में हम लोग इसका चल रहे थे, इसका हाई इफिशियंसी होता है, रिलायबिलिटी हाई होता है, बहुत सारे जो आपको ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल है उसमें मोस्टली सब में गियर का यूज होता ही होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट लेआउट होता है, शोर शराबा इसमें कम होता है, अगर डिजाइन मेरा प्रॉपर है तो स्मूथ वेलोसिटी रेशियो मिलता है। साथ साथ जो ड्राइव रहता है जो रोटेशन होता है पावर ट्रांसमिशन में उसमें हम लोग को शोर शराबा कम मिलता है, ठीक है ना, वो कम मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है, इसको बनाना मुश्किल है, ठीक है, इसको बनाने में ना हमको सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए होता है, प्रॉपर डिजाइन चाहिए होता है, ठीक है, तो इसका डिजाइन करने में हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता है। दूसरा, अब ये सर्कुलर प्लेट है तो इस पे नंबर ऑफ टीथ कट करना है तो ये टीथ जो कट करने का जो प्रोसेस होता है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, इतना आसानी से सब जगह नहीं हो पाता है, स्पेशल मशीनरी का जरूरत पड़ता है इसको इस तरह का गियर कट करने के लिए, ठीक है। और अगर हम बहुत सोफिस्टिकेटेड गियर बनाएंगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा आता है, तो एक तरह से कह रहे हैं कि बेल्ट ड्राइव से ज़्यादा कॉस्टली है, बनाने में इसको मुसीबत होता है, अगर डिजाइन प्रॉपर नहीं है तो वाइब्रेशन वगैरह भी हम लोग को होता है, नॉइज भी होता है, मगर अगर डिजाइन हमारा बढ़िया है तो वाइब्रेशन और नॉइज नहीं होता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई डिफेक्ट है तो ये इसमें होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, तो बहुत सारा अगर वहाँ पे स्किल लेबर नहीं रहते हैं बनाने वाले जो स्किलफुल ऑपरेटर अगर हमारे पास नहीं है तो गियर बढ़िया नहीं बना पाएगा, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई हो जाता है। गियर का जो टूथ जिसको दांत बोलते हैं, गियर का दांत काटने में बहुत कठिनाई होती है, ठीक है ना, स्पेशल इक्विपमेंट से इसको काटते हैं, अगर उसमें एरर हो गया तो पूरा एक दांत भी अगर गड़बड़ हो गया तो पूरा का पूरा आपका गियर बर्बाद, ये पूरा का पूरा गियर रिजेक्ट हो गया। ऐसा नहीं कि एक वो दांत खराब है बाकी सब सही है तो काम चल जाएगा, नहीं, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है फिर दूसरा गियर बनाया जाता है, ये सब इसमें दिक्कत डिसएडवांटेज इसका है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ गियर में आते हैं, गियर का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का जो पोजीशन रहेगा, शाफ्ट का पोजीशन कैसे देख सकते हैं, मान लिया कि ये एक शाफ्ट है, और ये एक अदर शाफ्ट है जिसके इस पे पोजीशन ऑफ शाफ्ट, तो पोजीशन ऑफ शाफ्ट के अनुसार शाफ्ट का जो एक्सिस है, सपोज दैट ये एक्सिस हो गया इसका, ये एक्सिस हो गया, तो इसके एक्सिस के अनुसार गियर किस टाइप का होता है, एक तो है पैरेलल गियर, इंटरसेक्टिंग गियर और नॉन इंटरसेक्टिंग गियर। पैरेलल गियर फिर आपका तीन भाग में डिवाइडेड है, स्पैर गियर, हेलिकल गियर और रैक एंड पिनियन गियर। पैरेलल गियर का कहने का मतलब है कि जब दो गियर मेस करेगा तो दोनों का एक्सिस जो होगा पैरेलल रहेगा,
दोनों का जो शाफ्ट का एक्सिस रहेगा वो पैरेलल रहेगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो गया, एक शाफ्ट आपका सीधा है ठीक है, और दूसरा शाफ्ट आपका तिरछा है इस तरह से है, तो इसका जो एक्सिस होगा ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगा, ये इसका एक्सिस है और ये इसका अगर एक्सिस है इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं जा करके, तो ये नॉन पैरेलल या इंटरसेक्टिंग कहेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग है। तीसरा है नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इसका एक्सिस मगर पैरेलल भी नहीं है, इतना इतना तिरछा है कि जैसे मान लिया एक शाफ्ट का एक्सिस ये है और दूसरे शाफ्ट का एक्सिस एक पैरेलल नहीं हो करके क्या है, पैरेलल नहीं हो करके इस तरह से है मगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है किसी न किसी एक्सिस के थ्रू, ये है आपका है पैरेलल नहीं है एक्सिस मगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसमें आपका एक्सिस क्या है, दोनों शाफ्ट का एक्सिस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा था मगर इसमें इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो पैरेलल गियर में आपका स्पर गियर आता है, स्पर गियर जब भी यूज करेंगे तो दोनों का दोनों शाफ्ट एक शाफ्ट, अगर इस पे गियर है, गियर को इस तरह से बनाते हैं, तो अगर इस पे गियर है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेगा इस तरह से, आप अब ये दोनों को सटा देंगे एक दूसरे से अटैच हो जाएगा तो रोटेट करेगा, अगर ये रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा आपका, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल गियर। और पैरेलल गियर में पैरेलल गियर में हमेशा तीन तीन है, क्या है, स्पर गियर, हेलिकल गियर, रैक एंड पिनियन गियर, बारी बारी से हम लोग ये सब भी देखेंगे क्या क्या है। फिर इंटरसेक्टिंग गियर में एक बेवल गियर आता है, फिर नॉन इंटरसेक्टिंग में वॉर्म एंड वॉर्म भी और स्पाइरल एंड स्क्यू गियर भी आता है ठीक है, एक एक करके हम सब देखेंगे कि क्या है। स्पर गियर, देखो स्पर गियर का बनावट इस तरह के को होता है, अगर शाफ्ट का एक्सिस इस तरह का है एकदम पैरेलल है शाफ्ट का एक्सिस ठीक है, तो उस पर जो गियर रहेगा सपोज दैट ये गियर है, ड्राइंग में तो हमसे बढ़िया नहीं बन रहा है, थोड़ा सा मेरा हाथ अभी इस पे बैठा नहीं है पैड पे ठीक है, अगर गियर आपका पैरेलल है तो इसका जो टीथ है ना ये शाफ्ट का जो एक्सिस है उसके पैरेलल कटेगा ठीक है, इस तरह से कटा हुआ रहता है गियर, ये वाला जो है ना ये जो गियर है इसके पैरेलल रहेगा, कोई एंगल के थ्रू नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पर गियर। जैसे कि देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, अगर पढ़ोगे इफ द टीथ ऑफ द गियर व्हील्स आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ व्हील द गियर्स आर कॉल्ड स्पर गियर, स्पर गियर ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर पैरेलल शाफ्ट, पैरेलल वाला में आया था बताए थे शुरू में ही, पैरेलल वाला में आया था, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर में यूज होता है, विंड पंप में यूज होता है, अलार्म क्लॉक में यूज होता है, वॉशिंग मशीन्स में यूज होता है, क्लॉक्स में यूज होता है, गियर बॉक्सेस में भी, ऑटोमोबाइल का गियर बॉक्स होता है उसमें भी स्पर गियर का यूज होता है। सपोज दैट ये गियर है, जैसे एक बार आउट कोशिश करते हैं बनाने का आप लोग को, ये गियर है ठीक है, और ये किसी शाफ्ट पे माउंटेड है, 2D डायग्राम बना रहे हैं, तो गियर का जो टीथ कटेगा ना इसके एक्सिस के पैरेलल रहेगा, ये शाफ्ट का हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो इसके पैरेलल कटेगा गियर ठीक है, इसके पैरेलल कटेगा, तो ये हो गया है आपका स्पर गियर। हेलिकल गियर में ये जो पैरेलल था टीथ जो कटता था पैरेलल नहीं हो करके कोई एंगल से कटेगा, जैसे देखो हम देखेंगे हेलिकल गियर में, हेलिकल गियर अगर हम लेते हैं ठीक है, ये एक शाफ्ट है और शाफ्ट पे अगर गियर है इस तरह से माउंटेड ठीक है, तो हेलिकल गियर में इस तरह से गियर आपका कटा हुआ रहेगा जो कि इस एक्सिस के पैरेलल है नहीं है, इसके एक्सिस के नॉन पैरेलल होगा। नेक्स्ट देखते हैं हेलिकल गियर का डिजाइन, देखो इस तरह से हेलिकल गियर बना हुआ रहता है ठीक है इस तरह से, तो ये अगर सिंगल है तो हेलिकल गियर हो गया, मगर एक आधा में एक तरफ से और आधा में उसका अपोजिट डायरेक्शन से इस तरह से अगर आता तो उसी को हेरिंग बोन गियर कहते हैं, तो ये देखो हेरिंग बोन गियर, आधा में एक साइड से एंगल है आधा में उसका अपोजिट साइड से है ना, आधा में इस साइड से है आधा में अपोजिट साइड से, तो इसको हेरिंग बोन गियर कहते हैं। तो हेलिकल गियर में जो टीथ कट किया जाता है उसके सरफेस पे तो वो शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है,
इंक्लाइंड होता है, किसी न किसी एंगल से इंक्लाइंड होता है, ठीक है। दोनों पे वैसे ही होगा, जो गियर रहेगा वो मिस करेगा, उस पर भी दोनों का सेम वैसे ही कटेगा, ठीक है। और डबल हेलिकल, इसी को हेरिंग बोन गियर को ही डबल हेलिकल गियर भी कहते हैं, कि जिसमें दो हेलिक है, दो हेलिक्स है, एक इधर और एक इधर, तो एक इधर हेलिक्स है, एक इधर हेलिक्स है, इसीलिए इसको डबल हेलिकल गियर या हेरिंग बोन गियर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रैक एंड पिनियन। देखो एनिमेशन बना हुआ है, रैक एंड पिनियन इस तरह से रोटेट करता है, रैक एंड पिनियन दिख रहा है आप लोग को वीडियो में। तो ये रैक एंड पिनियन गियर है, फाइनली इस तरह से बनाया जाता है। तो रैक एंड पिनियन ये स्पेशल केस ऑफ स्पायर गियर, स्पायर गियर का ही एक स्पेशल केस है। किसी किसी केस में हेलिकल भी होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये फाउंडेशन है कि है मतलब स्पर ही हो, मोस्टली स्पर यूज किया जाता है। मगर जब आप लोग आगे पढ़िएगा इंजीनियरिंग में तो देखिएगा ना कि ये रैक एंड पिनियन में कहीं कहीं पे आपको जब ये जब रोटेशन आपका देख रहे हैं, ये रोटेशन देख रहे हैं, ये रोटेशन जब एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं हो करके, दोनों का एक्सिस अगर परपेंडिकुलर नहीं हो के इंक्लाइनेशन, इंक्लाइन का जरूरत पड़ता है, इंक्लाइन एक्सिस का में हमको पावर ट्रांसमिशन का जरूरत पड़ता है, तो उस केस में हेलिकल गियर हम लोग कहीं कहीं पे यूज करते हैं, या फिर हेलिकल नहीं करके फिर हम लोग वॉर्म व्हील भी यूज करते हैं, वॉर्म व्हील भी यूज करते हैं। तो ये रैक एंड पिनियन गियर है। अगर डिफिनीशन कहें इसका, तो डिफिनीशन वैसा कुछ प्रॉपर डिफिनीशन तो नहीं, जिसका जो अरेंजमेंट है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कह सकते हैं हम लोग कि रैक एंड पिनियन इज अ स्पेशल केस ऑफ स्पायर गियर इन विच वन गियर इज हैविंग इनफाइनाइट डायमीटर एंड अनदर इज फाइनाइट डायमीटर, ठीक है। इस तरह और उसका बनावट कुछ इस तरह के से होता है, और इस तरह से वो वर्क करता है, पावर का ट्रांसमिशन करता है। नेक्स्ट बेवल गियर, देखिए बेवल गियर भी यही है, बेवल गियर दिख रहा है, बेवल गियर जो कि पावर ट्रांसमिट करता है किसी भी एंगल के थ्रू। एक शाफ्ट अगर इधर है, इसमें से पावर अगर किसी भी एंगल के थ्रू ट्रांसफर करना है, कोई इंक्लाइंड एंगल या 90 डिग्री एंगल के थ्रू आपको पावर ट्रांसमिशन करना है, तो बेवल गियर का यूज करते हैं। द टू नॉन पैरेलल और इंटरसेक्टिंग बट कोप्लेनर शाफ्ट कनेक्टेड बाई ए गियर टीथ ऑफ गियर आर कट इन कॉनिकल सरफेस, टीथ हैविंग वेरिंग इन क्रॉस सेक्शन अलोंग द टूथ। बोलता है कि नॉन पैरेलल शाफ्ट और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट पे ये पावर का ट्रांसमिशन करता है। टीथ का क्या, टीथ हम कॉनिकल सरफेस में टीथ को कट करते हैं जैसे हेलिक्स में करते थे, उसी टाइप का, थोड़ा सा अलग है इसमें, क्योंकि हमको इसमें एंगल डिसाइड करना पड़ता है जब हम गियर बनाते हैं, बनाने के समय उसी अनुसार जितना हमको जिस एंगल से पावर का ट्रांसमिशन करना होता है, जिस जो शाफ्ट है, मान लिया ये शाफ्ट है, तो अगर हमको 30 डिग्री एंगल से पावर ट्रांसमिशन करना है तो उसी अनुसार हम इसका सरफेस पे कोनिकल कट करेंगे, जो कट करेंगे ना वो कोनिकल कट करेंगे, तो इस तरह से हमको बेवल गियर हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो बेवल गियर मोस्टली यूज होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मोस्टली यूज होता है किसमें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेवल गियर का हम लोग यूज करते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करना है तो 45 डिग्री एंगल से हम लोग कट करेंगे, 45 डिग्री एंगल इसका रहेगा, 45 डिग्री एंगल इसका रहेगा, ये जो कॉनिकल सरफेस है ना, ये कॉनिकल सरफेस 45 डिग्री के एंगल से कट किया जाएगा, ठीक है। तो 45 इसका, 45 इसका 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाएगा, उस एंगल से ये पावर को ट्रांसमिट करेगा। नेक्स्ट वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, देखो वॉर्म एंड वॉर्म व्हील में आ गया आपका हेलिक्स एंगल, देखो एक में फाइनाइट रहता है, एक में इनफाइनाइट, सॉरी वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, एक में हेलिक्स एंगल है, इसमें देखो इसमें हेलिक्स एंगल है, ये पैरेलल है, शाफ्ट के परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, नहीं ना है, तो ये हेलिक्स एंगल हो गया। उसी तरह से इसमें भी सेम कट किया हुआ रहता है, और इस तरह से इसका अरेंजमेंट रहता है। द टू नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग बट नॉन कोप्लेनर शाफ्ट कनेक्टेड बाई गियर। देखो वॉर्म में क्या अंतर था, वॉर्म में आपका प्लेन सेम रह रहा था, इसमें नॉन प्लेनर कहीं लिखा है, इसमें प्लेन का जिक्र नहीं किया है, जबकि आपका वॉर्म एंड वॉर्म व्हील जब आ जाता है ना, तो उसमें प्लेन चेंज हो जाता है, एक प्लेन से दूसरे प्लेन में आप पावर का ट्रांसमिशन कर सकते हैं इसमें। द टू नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग बट नॉन कोप्लेनर शाफ्ट कैन बी कनेक्टेड बाई
gears. Valves are used when large gear reduction are needed. इसमें velocity ratio या तो बहुत बढ़ाना होता है या बहुत घटाना होता है, तब हम इसको यूज करते हैं। जैसे 20:1 का वेलोसिटी रेशियो या इवन और ग्रेटर 300:1 का वेलोसिटी रेशियो हमको चाहिए, तब हम इस तरह का यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या, अगर ये एक चक्कर काटेगा, अगर ये व्हील एक चक्कर काटेगा तो ये व्हील आपका 20 चक्कर काटेगा, ठीक है ना। तो वही 20:1 वेलोसिटी रेशियो रहेगा। और भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, वेलोसिटी रेशियो और कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, कि ये एक रोटेशन करेगा तो ये वाला शाफ्ट आपका 300 रोटेशन आपको यूज करेगा, 300 रोटेशन वो करेगा। इस तरह से करके हम लोग यूज करते हैं। तो जहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी बहुत घटाना होता है ऑटोमोबाइल में, जैसे ऑटोमोबाइल इंजन जब चलता है तो हाई स्पीड पे रोटेट करता है, मगर वहाँ अगर ऑटोमोबाइल में कोई कोई ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसको लो स्पीड चाहिए, ठीक है, उसको फंक्शन करने के लिए बहुत लो स्पीड चाहिए, तो उस केस में हम लोग ये यूज करते हैं कि इंजन तो स्पीड हाई दे रहा है मगर उसको हम घटाएं कैसे। तो एक तो गियर बॉक्स से हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, और दूसरा हम लोग वॉर्म व्हील से घटा सकते हैं, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी रेशियो बहुत कम चाहिए उस केस में हम आप वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का यूज करते हैं। कॉलेज में अभी एक आया है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, जब आप लोग आइएगा मेरा लैब में एक बना हुआ है, आप लोग देखिएगा उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ मेसिंग गियर, गियर का हम लोग टाइप पढ़ रहे थे, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ मेसिंग भी गियर का अलग अलग प्रकार होता है। एक एक्सटर्नल, जब मेस बाहर से हो, गियर का देखिए मेसिंग बाहर से हो रहा है, दोनों गियर बाहर है। अब एक गियर अगर इसके अंदर है, जैसे ये देखिए, ये तो ये इंटरनल गियर हो गया, इस तरह से हम लोग कहेंगे। टिप ऑफ मेस एक्सटर्नली विद ईच अदर, द लार्जर गियर इज कॉल्ड व्हील एंड स्मॉलर गियर इज कॉल्ड पिनियन। आ गया व्हील एंड पिनियन, बोले थे ना कि किसी किसी केस में जो ड्राइवर या ड्रिवन को पिनियन भी बोला जाता है, तो एक्सटर्नल गियर में हम लोग पिनियन का यूज आ गया। तो एक्सटर्नल गियर क्या कहता है, इन एक्सटर्नल गियर द टीथ ऑफ द गियर्स मेस एक्सटर्नली, बाहर से मेस करता है, अंदर से मेस नहीं करता है, जबकि इंटरनल गियर में ये अंदर से मेस करता है, द टीथ ऑफ गियर मेस इंटरनली, ठीक है। ये है नेक्स्ट हम लोग, अकॉर्डिंग टू द पेरीफेरल वेलोसिटी ऑफ द गियर, गियर का जो पेरीफेरल वेलोसिटी हो गया, पेरीफेरल वेलोसिटी मतलब क्या, अगर ये गियर है, अगर ये गियर है तो इसका आउटर वेलोसिटी, ये जो शाफ्ट रोटेट कर रहा है इसके वेलोसिटी के अनुसार गियर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जिसका स्पीड लो रहेगा लो वेलोसिटी गियर, जिसका हाई रहे मीडियम रहेगा मीडियम वेलोसिटी गियर, और जिसका हाई रहेगा हाई स्पीड पे रोटेट कर पाएगा, पावर का ट्रांसमिशन कर पाएगा, तो वो हाई स्पीड गियर। अब स्पीड का लिमिट दे दिया है कि लो लिमिट में, लो वेलोसिटी गियर में स्पीड लिमिट आपका कितना, 3 मीटर पर सेकेंड से कम होना चाहिए। ये तो रोटेट करेगा एंगुलर वेलोसिटी में, तो एंगुलर वेलोसिटी, इसके एंगुलर वेलोसिटी को जब लीनियर वेलोसिटी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जैसे ओमेगा दिया हुआ था एंगुलर वेलोसिटी या एन में दिया हुआ रहता है, तो इसको अगर हम वी में चेंज करेंगे, वी इक्वल टू आर ओमेगा पढ़े हैं, इस तरह से अगर हम चेंज करें तो जो ये लीनियर वेलोसिटी आएगा, तो वो अगर 3 मीटर से कम है, अगर वो 3 मीटर पर सेकेंड से कम है, तो वो उसको हम लोग कहेंगे कि वो गियर लो वेलोसिटी गियर है। अगर वो वेलोसिटी 3 से 15 मीटर पर सेकेंड तक है, तो वो मीडियम वेलोसिटी गियर कहलाएगा, और वेलोसिटी अगर 15 मीटर पर सेकेंड से अधिक है तो वो हाई स्पीड गियर कहलाएगा। नेक्स्ट, गियर ट्रेन क्या होता है, जब एक से ज़्यादा गियर है, तो सिंपल गियर बोले थे कि सिंपल गियर एक मिल गया, ठीक है, एक व्हील है और एक पिनियन है, रोटेट कर रहा है, तो ये सिंपल गियर हो गया, सिंपल गियर मेस हो गया। मगर एक से ज़्यादा है, ठीक है, सपोज दैट कोई शाफ्ट है, शाफ्ट पे एक गियर रोटेट, एक गियर है इस पर, और इस पर एक और गियर रोटेट कर रहा है। अब इस शाफ्ट पे एक बड़ा गियर और एक छोटा गियर है, तो ये वाला गियर जो है मान लिया 1 कहेंगे 2 कहेंगे और इसको 3 कहेंगे, 3 रोटेट कर रहा है किसी और गियर से, ठीक है, या फिर इस तरह से एक और चौथा गियर आ गया,
ठीक है, फोर गियर गोल नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। तो इस तरह से अगर गियर का अरेंजमेंट हो, एक दो से ज़्यादा गियर कनेक्टेड हो एक व्हील से, एक ड्राइवर से, अगर एक से ज़्यादा पिनियन रोटेट करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं गियर ट्रेन। देखिए, ए गियर ट्रेन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गियर व्हील, ए गियर ट्रेन इज, स्टार्टिंग से देखिए, ए गियर ट्रेन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गियर व्हील विच इज यूज टू ट्रांसमिट मोशन एंड पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट का पावर ट्रांसमिशन करने के लिए यूज होता है। टाइप्स इसका देखिए कि क्या क्या होता है। तो टाइप्स इसमें इसमें सिंपल गियर ट्रेन जिसमें कि एक और एक ही रहेगा, उसके बाद कंपाउंड गियर ट्रेन जिसमें अब इससे ज़्यादा हो गया तो कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन ये भी देखेंगे क्या होता है, और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन ये क्या होता है। रिवर्टेड गियर ट्रेन होता है कि जिस डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें। एपिसाइक्लिक ये होता है कि ये वो स्थिर, ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है मगर ये स्थिर है और ये इसके चारों ओर रोटेट कर रहा है, तो उस तरह को हम लोग एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन बोलते हैं। एक एक करके हम लोग वो भी देखेंगे कि क्या है। देखो सिंपल गियर ट्रेन में, देखो सिंपल गियर ट्रेन, देखो एक सिंपल है, एक गियर से ये रोटेट कर रहा है, इससे ये रोटेट कर रहा है, और इससे ये रोटेट कर रहा है, इससे ये रोटेट कर रहा है। एक शाफ्ट पे एक ही गियर है। जैसे देखो ये शाफ्ट है इस पे एक गियर, ये शाफ्ट है इस पे एक गियर, ये शाफ्ट है इस पे एक गियर। तो ये गियर जो हो गया आपका सिंपल गियर ड्राइव हो गया। इसमें जो एक ड्राइवर गियर होता है और एक ड्रिवन गियर होता है। आप ये मेस के लिए तो ये हो गया, मगर इस मेस के लिए क्या हो जाएगा, ये ड्राइवर हो जाएगा और ये ड्रिवन हो जाएगा। उसी तरह से इसके लिए ये ड्राइवर हो जाएगा और ये ड्रिवन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ड्राइवर हो जाता है और ये लास्ट ड्रिवन हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग गियर ड्राइव के, सिंपल गियर ड्राइव को इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये सिंपल गियर ड्राइव है। नेक्स्ट देखते हैं, वेलोसिटी रेशियो इसका निकालते हैं, गियर ड्राइव का वेलोसिटी रेशियो। तो किसमें, गियर ड्राइव में गियर का जो डायमीटर, पिच डायमीटर होता है, उससे हम लोग निकालते हैं इसका वेलोसिटी रेशियो। तो जब दो गियर मेस करेगा, एक गियर यहाँ पे है और एक गियर यहाँ पे है, जब दो गियर मेस करेगा ना, तो यहाँ पे दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। रोटेशन अलग अलग हो सकता है कि ये बड़ा गियर है, सपोज दैट ये गियर अगर बहुत बड़ा है, सॉरी ये गियर अगर, एक मिनट, हाँ देखिए बता रहे थे आपको कि दो गियर है, एक बड़ा है और एक छोटा है जो कि मेस कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये आपका ड्राइवर है और ये आपका ड्रिवन है, ठीक है। तो इस केस में देखिए कि जब रोटेट करेगा, जब मेस होगा रोटेट करेगा, तो मेसिंग पॉइंट पे जहाँ पे एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा दोनों तीर, इसको वन बोलते हैं, गियर वन और गियर टू। तो गियर वन और टू या ड्राइवर या ड्रिवन का तीर जब मेस करेगा एक दूसरे के साथ, यहाँ पे जब कांटेक्ट में रहेगा, तो दोनों का वेलोसिटी वहाँ पे सेम होगा, और वो वेलोसिटी पिच वेलोसिटी होता है। आगे हम लोग ये भी समझेंगे कि पिच वेलोसिटी क्या होता है, अभी बस याद रखिए कि वो पिच वेलोसिटी होता है। तो पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ ए और पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ बी, अगर ये ए और बी है तो वो दोनों बराबर होता है। रोटेशन अलग अलग हो सकता है, ये बड़ा है तो इसका रोटेशन कम होगा, ये एक रोटेशन करेगा तो हो सकता है ये एक से ज़्यादा 1.2 1.5 रोटेशन कर पाए, मगर उस पॉइंट पे वेलोसिटी दोनों का बराबर होगा। तो इस पॉइंट पे अगर हम इसको ए मानते हैं तो ए का वेलोसिटी पाई डी एन होता है और बी का वेलोसिटी पाई डी बी एन बी होता है, ठीक है। इस तरह से करके हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं। अब पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जैसे बेल ड्राइव में हम लोग देखे थे एन बी बाई एन ए इक्वल टू, उसमें क्या आता था बेल ड्राइव में भी डायमीटर आता था आपका, बस इसी में भी उसमें डी ए बाई डी बी याद आ रहा है। बेल ड्राइव में भी इसी तरह का वेलोसिटी रेशियो आपको सिंपल बेल ड्राइव का जब होता आप लोग देखे थे तो मिलता था। इसमें एक और ऐड हो जाता है टी ए बाई टी बी, वो भी
इक्वल होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया है। क्यों? क्योंकि dA by dB इक्वल टू dA by dB होता है, इसीलिए ये इक्वल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये TA और TB क्या है? TA नंबर ऑफ टीथ हो गया, किसका? A का, इस पे जितना टीथ होगा, और TB इसका जितना गियर B पे जिसका टीथ, नंबर ऑफ टीथ होगा। ठीक है, क्लियर है। तो वेलोसिटी रेशियो इस तरह से निकालते हैं। तो ये तो दो मेश के लिए हो गया, इसके लिए हो गया, मान लिया वन और टू इसके लिए हो गया। उसी तरह से अब ये ड्राइवर हो जाएगा, ये ड्रिवन हो जाएगा, और थर्ड केस में ये ड्राइवर हो जाएगा और ये ड्रिवन हो जाएगा। तीनों का वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, और पूरा पूरा चेन का अगर वेलोसिटी रेशियो हम लोग निकालेंगे, पूरा चेन का अगर वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, तो वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो पूरा का निकल जाएगा वेलोसिटी रेशियो। आगे निकाला है एक एक करके, देखो सबका पहले अलग अलग निकाला, पहले वन टू का निकाला, फिर टू थ्री का निकाला, फिर थ्री फोर का निकाला। ठीक है ना, मान लिया ये वन टू का और ये टू थ्री का, उस तरह से थ्री फोर का। अब ओवरऑल निकालना है वन से थ्री का, वन से थ्री का टोटल वेलोसिटी रेशियो निकालना है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो वो निकल जाएगा। इसमें भी वैसे ही बेल ड्राइव की तरह स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्रिवन, सॉरी स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर इक्वल टू स्पीड ऑफ ड्रिवन शाफ्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट इक्वल टू टी ए बाई टी बी। निकल गया बिल्कुल बेल ड्राइव वेलोसिटी रेशियो, ऑलमोस्ट इसका बेल ड्राइव की तरह ही निकलता है। सिंपल गियर ट्रेन का जब हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे तो जिस तरह से बेल ड्राइव में निकाले थे ऑलमोस्ट उसी तरह से निकलता है, मिलता जुलता है। इसमें केवल नया टर्म आ गया कि इसमें नंबर ऑफ टीथ भी ऐड हो गया, उसमें थिकनेस वगैरह ऐड होता था अगर हम लोग थिकनेस कंसीडर करते थे तो इसमें हम लोग टीथ कंसीडर करेंगे तो ऐड नहीं करेंगे। टीथ का एक अलग फंडा होता है, वो नंबर ऑफ टीथ मॉड्यूल वगैरह जब हम लोग आएंगे ना तो वो देखेंगे उसमें। अभी बस आप लोग वेलोसिटी रेशियो सीखिए कि वेलोसिटी रेशियो सिंपल गियर ट्रेन का होता कैसे है। नेक्स्ट कंपाउंड गियर ट्रेन, देखो कंपाउंड गियर ट्रेन और सिंपल गियर ट्रेन में क्या अंतर है, यहाँ से और क्लियर समझ में आ जाएगा। सिंपल गियर ट्रेन में देखे थे ये एक ड्राइव कर रहा था दो को और दो ड्राइव कर रहा था तीन को, मगर देखो इसमें क्या है एक और गियर ऐड हो गया है। नीचे वाला साफ देखिए, एक गियर उसमें सिंपल गियर ड्राइव में आपका वन साफ पे केवल और केवल वन गियर होता था सभी में। बैक करके आपको दिखाते हैं, देखो इसमें सिंपल गियर ड्राइव में हर शाफ्ट पे केवल और केवल एक एक गियर है, जबकि कंपाउंड ड्राइव में अगर आते हैं तो एक शाफ्ट पे एक से ज़्यादा गियर है। देखो इसमें देखो ये पहले ड्राइव कर रहा है, ये किसी स्पीड से इसको ड्राइव कर रहा है, इसको दो को, और ये दो फिर ये तीसरा को ड्राइव कर रहा है, और ये तीसरा चौथा को ड्राइव कर रहा है। अगर इसमें देखें तो देखिए एक इसको ड्राइव कर रहा है, फिर ये इसको ड्राइव करेगा, ये पहले इसको नंबर वन को ए को ड्राइव करेगा, फिर ए है बी को ड्राइव करता है, बी को ड्राइव दो, इस दो को ड्राइव करता है, और जो स्पीड इसका रहेगा जो आरपीएम नंबर टू का रहेगा वही आरपीएम नंबर थ्री यानी सी का रहेगा। तो बी और सी का स्पीड आपका सेम रहेगा क्योंकि ये सेम शाफ्ट पे माउंटेड है, तो जो इसका स्पीड नंबर ऑफ रोटेशन जो इसका होगा वही नंबर ऑफ रोटेशन इसका होगा। नंबर ऑफ टीथ अलग होगा, डायमीटर अलग होगा, लेकिन एन बी इक्वल टू एन सी होगा, जबकि टी बी इज नॉट इक्वल टू टी सी होगा। ठीक है, उसके साथ साथ डी बी इज नॉट इक्वल टू डी सी होगा। कंपाउंड ड्राइव में यही अंतर होता है, यहाँ समझ में आ रहा है डायग्राम। इस तरह से कंपाउंड ड्राइव हम लोग निकालते हैं। वेलोसिटी रेशियो अगेन निकालेंगे, उसका प्रोसीजर सेम ही है वेलोसिटी रेशियो का, ड्राइवर का ड्रिवन के साथ, फिर अगेन ड्राइवर का ड्रिवन के साथ। ठीक है, और इसमें ये दोनों के बीच में वेलोसिटी रेशियो नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो उसका वेलोसिटी वन आ जाएगा। ठीक है ना, इसका वेलोसिटी वन आ जाएगा।
तो ये आगे चेन को हमारा अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ पे? एक बार और बताएं। ठीक है, एक बार और बता देते हैं आपको। जैसे सिंपल गियर ट्रेन में हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकाले थे, तो ड्राइवर का ड्रिवन के साथ, ठीक है, ड्राइवर का ड्रिवन के साथ, और फिर अगेन ड्राइवर का ड्रिवन के साथ, दूसरा वाला के साथ। इसमें देखिए, इसमें आपको जब 1, 2, 3, 4 कीजिएगा तो ये मत समझ लीजिएगा ये 2, 3 को ड्राइव कर रहा है। ये 2 नहीं ड्राइव कर रहा है 3 को, ये 1 ही ड्राइव कर रहा है 3 को। तो 2, 1 किसको ड्राइव कर रहा है? गियर ए ड्राइवर हो गया किसके लिए? 2 और 3 दोनों के लिए। तो ये दोनों ड्रिवन हो गया, बी ड्रिवन हो गया, बी और सी दोनों ड्रिवन हो गया। तो जो स्पीड बी का होगा वही स्पीड सी का होगा नंबर ऑफ रोटेशन में। क्लियर है? और मगर नंबर ऑफ टीथ और डायमीटर दोनों का अलग होगा। यहाँ से क्लियर हो रहा है, नंबर ऑफ टीथ और डायमीटर दोनों का अलग होगा कंपाउंड टाइम में। तो जब वेलोसिटी रेशियो, और ध्यान देने वाली एक बात और क्या है, कि ये देखो, जब हम ये 3 और 4 को कंसिडर करेंगे, तो 3 और 4 को कंसिडर करेंगे तो ये ड्राइवर हो जाएगा और ये ड्रिवन हो जाएगा, ना कि 2 गियर 2 4 के लिए ड्राइवर नहीं होगा, क्योंकि गियर 2 है इसके साथ मिस कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये 3 और 4 मिस कर रहा है ना। तो वेलोसिटी रेशियो यहाँ इसका और इसका निकलेगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा फाइनल वेलोसिटी रेशियो पूरे सिस्टम का निकलेगा। नेक्स्ट देखो, इसमें फाइनल आपको निकाल के दिखाया है वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो अगेन स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर, ठीक है। और अगर कंपाउंड रहेगा तो सबको प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर, प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑफ नंबर ऑफ फॉलोअर या ड्रिवन, ठीक है। फॉलोअर यहाँ पे लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होइएगा, फॉलोअर मतलब ड्रिवन, जो ड्रिवन है उसी को फॉलोअर बोलते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये आज हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे और हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। इतना तक आप लोग नोटबुक में नोट करिए और रिवाइज करिए इसको, ठीक है ना, एक बार रिवाइज करना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, आप लोग सूख जाओगे देखते देखते, बर्दाश्त नहीं होगा। तो इतना देखो और रिवाइज करो।